और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है, 2 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीन जल्द अवेलेबल होगी। वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को दी गई है मंजूरी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का यह बयान, उन्होंने कहा है कि 2 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक की तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध होगी। 2 ट्रायल हो चुके हैं और अच्छे रिजल्ट आने के बाद अब तीसरे ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि तीसरे ट्रायल को 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होगी। जनक दवे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी एक बड़ी चिंता थी, अभी हाल ही में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आई है, लेकिन अब 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन का यह बयान कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण जनक? काफी मायने रखता है। देखिए, चूंकि अब तीसरी लहर की जो आशंकाएं हैं और जिस तरीके के बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे थे उनके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं बाजार में। जो जायडस की जायकोव डी आई है वो भी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, ऐसे में छोटे बच्चों के लिए क्या, तो ये एक बड़ी बात थी। तो उसको लेकर आज कोवैक्सीन की जब पहली बैच गुजरात में आज जो रिलीज की, उसी समय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, तीसरे ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को ही ये मंजूरी दी गई है और 2 के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में जल्द उम्मीद की जा सकती है कि 2 से 12 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन बाजार में जल्द उपलब्ध होगी। जनक, अमूमन कितना वक्त लगता है तीसरे ट्रायल में? 2 ट्रायल हो चुके हैं, तीसरे ट्रायल में कितना वक्त लगता है और कब तक ये उपलब्ध होगी? देखिए, वैक्सीन के अनुमान अलग अलग तौर पे हैं, कितने जो सैंपल साइज होती है वो किस तरीके से ली जाती है। अगर हम आप देखें तो वैक्सीन बनाने का जो समय रहा वो तकरीबन 8 से 10 महीने में, पिछले साल जो कोरोना का समय शुरू हुआ उसके बाद से जितनी भी वैक्सीन आई है वैक्सीन का समय 5 से लेकर 10 महीने के भीतर अंतराल में अलग अलग ट्रायल के बाद वैक्सीन बाजारों में उपलब्ध कराई गई है। तो अब इसकी जो रिसर्च प्रक्रिया है, और जनक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। जायडस कैडिला की जो वैक्सीन आई है और जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो 12 ईयर से एबो लोगों को लगेंगे। भारत बायोटेक को रिसर्च की परमिशन दी गई है और ये रिसर्च का एनालिसिस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और 2 ईयर्स एबो के सभी बच्चों को लगेगी। उसके लिए उन्होंने 3rd ट्रायल की परमिशन दे दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की भी वैक्सीन इंडिया में ही रिसर्च हो और इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग हो। कोवैक्सीन ने अपना सारा डाटा WHO में सबमिट कर दिया है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के साथ मेरी व्यक्तिगत मीटिंग हुई है और हम अब उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने में उसको परमिशन मिल जाए। वो पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला है, इसके लिए हम सब गुजरातियों को और देश को गौरव महसूस हो रहे हैं और भाविन। तो ये मनसुख मांडविया को, हालांकि पैरालंपिक्स में भाविना के मेडल का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरीके से 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जाइकोव डी को इमरजेंसी यूज की परमिशन मिल चुकी है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन अब 2 साल के से ऊपर बच्चों के लिए भी जल्द अवेलेबल होगी वैक्सीन भारत बायोटेक की, जिसको ट्रायल की मंजूरी दी गई है। लेकिन जनक, मनसुख मांडविया जो सितंबर का जिक्र कर रहे हैं वो क्या परमिशन को लेकर कह रहे हैं या फिर इमरजेंसी यूज को सितंबर के महीने में ट्रायल के बाद मंजूरी मिल सकती है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, भारत बायोटेक के जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस का सवाल था और वो जिस तरीके से WHO की अप्रूवल नहीं थी उसकी बात थी। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका वो जवाब दे रहे थे, लेकिन जहां तक बच्चों की वैक्सीन का सवाल है उन्होंने कहा कि रिसर्च पूरी तरह से हो चुका है और जो नतीजे आ रहे हैं बेहद अच्छे नतीजे हैं और उसके आधार पर उसका जो सैंपल साइज है और जो एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है, जो ट्रायल रन होता है वो अभी तीसरे ट्रायल का चल रहा है, तो मैं उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ही जल्द एक से 1.5 महीने के अंतराल में भारत बायोटेक की ओर से 2 से 12 साल के बच्चों के
वैक्सीन बाजारों में उपलब्ध हो सकती है। हालांकि इसका इमरजेंसी यूज सर्टिफिकेशन जो होता है वो देना होगा, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो भी उसके बाद होगी। लेकिन अभी का मामला यही है कि तीसरा ट्रायल वो भी 2 से 12 साल के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनका जिक्र ज्यादा, चूंकि अब तीसरी लहर में बच्चों पर इसकी आशंका बताई जा रही, तो ऐसे में ये उपलब्धि बड़ी तौर पे देखी जा रही है कि 2 से 12 साल के बच्चे की वैक्सीन भी बाजार में उपलब्ध होती है। शुक्रिया जनक ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।